फ्रेंड वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नूरी किरण। मैं लेके आई आपके लिए प्यारा सा लुक। यू कैन सी गेस्ट मेकअप लुक है। हम पार्टी में, शादी में, फंक्शंस में, खुद के घर की पार्टी भी अटेंड कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हो ये पूरे लुक को। ये लुक मैंने ओनली 6 प्रोडक्ट के साथ ही अचीव किया है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने शॉर्ट में बताया था कि 6 प्रोडक्ट से मेरा एक वीडियो मिस हो गया था, तो मैंने दोबारा से रिक्रिएट किया हुआ है लुक। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है। अब साड़ी के मतलब का लुक है, आप चाहो तो ओपन भी कर सकते हो। आपको जो चीज इसमें नहीं अच्छी लग रही, जैसे ये हो गया, नेकलेस हो गया, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। बट मैंने लुक को कंप्लीट दिखाने के लिए इस तरीके से किया हुआ है। तो लुक हम देख लेते हैं आगे कैसे स्टार्ट किया है। 6 प्रोडक्ट कौन कौन से है पहले मैं ये बता देती हूँ आपको। तो ये कलर बोर्ड की आई शेडो पैलेट है नंबर 1 एंड 2 केपले का कॉम्पैक्ट पाउडर, NYB का स्टिक फाउंडेशन जिसमें कंसीलर भी होता है, 3 प्रोडक्ट हो गई है। NYB का प्राइमर 4th, क्लॉसल एमेबिन क्लॉसल का मस्कारा 5 एंड सुधर कॉस्मेटिक की मिनी लिपस्टिक। सिर्फ ये 6 प्रोडक्ट्स के अलावा मैंने कुछ और यूज नहीं किया, और ये सारा मेकअप आपके सामने है जो भी इससे अचीव हुआ है। तो वीडियो में आगे बने रहिए, मेकअप मैंने कैसे किया है बिना स्किप किए, वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए आए हैं वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और बेल को भी क्लिक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो से आप मेरे अपडेट रहे। तो देखते हैं हम ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है आगे की वीडियो में। टिंग 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 कैसे ऐसे मेकअप स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट में सबसे पहले मेरे पास सिर्फ ओनली 6 प्रोडक्ट है, तो मैं सबसे पहले लूंगी NYB का फेस सीरम। स्किन केयर मैं कर चुकी हूँ, सनस्क्रीन एंड टोनर और मॉइस्चराइजर वो मेकअप में नहीं आता, इसलिए हम वो काउंट नहीं करेंगे। अब भी मेकअप के प्रोडक्ट काउंट करेंगे। तो ये फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है NYB का प्राइमर, तो इसको हम लिटिल बिट अमाउंट में अप्लाई कर लेंगे। यू कैन सी, देखो कहाँ आके गिरा है। ये बहुत जेल फॉर्म में है, थोड़े थोड़े से गोल्डन पार्टीशन हैं इसके अंदर जो ओपन पोर्स को हाइड कर देता है, जिससे हमारा बेस जो है वो बहुत अच्छे से फ्लॉलेस दिखे। इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये NYB की स्टिक है, तो ये फाउंडेशन प्लस कंसीलर है, तो ये इसमें दोनों ही आते हैं। फाउंडेशन वैसे ये फाउंडेशन है, लेकिन इसमें कंसीलर का भी काम वर्क करता है, तो मैं इसी को अप्लाई करूँगी एज अ कंसीलर। पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये क्रीमी फॉर्म में है, स्टिकी है, बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इजीली चेकआउट कर लेना। NYB के प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल रहते ही हैं और काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो आप देख सकते हो। अरे यार मैं अपना स्पंज तो लेना भूल ही गई, चलो स्पंज छोड़ो, अब हम ब्रशेस को ब्लेंड करें। मैंने एक ब्रश ले लिया है, तो ब्रश से ब्लेंड करेंगे। इजीली तरीके से ब्लेंड हो जाता है, यू कैन सी। आंखों के लिए, क्योंकि मैं आंखों पे लगाना भूल गई, क्योंकि हमारी आई ब्राइट होनी चाहिए। मेकअप तभी अच्छा लगता है, मेकअप से दो ही चीजों से अच्छा लगता है, आई एंड लिप्स। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कॉम्पैक्ट सेट करने के लिए, इसको कंसीलर को सेट करने के लिए मैं केपले का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ। ये माई ग्लेम केपले का वनीला कॉम्पैक्ट पाउडर है, अच्छा है, अफोर्डेबल नहीं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट डिस्काउंट में 450 या 400 समथिंग का मिल जाता है। और हमेशा माई ग्लेम पे तो चलता रहता है, हम वो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट्स ऑफ सेल्स, तो आप चेक कर सकते हो। तो इसको मैं ब्रश से डैप डैप करते हुए अपनी आई को सेट कर लूँगी। बहुत अच्छा, इतनी अच्छी स्मेल आती है वैनिला की, काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छी अफोर्डेबल। मैंने इसका एक रिव्यू किया था माई ग्लेम के प्रोडक्ट का, तो ये मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला था, आपको वो वीडियो देखना चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला था, मतलब इतने चीपेस्ट प्राइस में, बहुत चीपेस्ट प्राइस में, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो पाउडर हमारा हो गया है सेट, अब हम करेंगे आईब्रो फिल। तो आईब्रो के लिए ले रही हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास ओनली 6 प्रोडक्ट हैं, तो 6 प्रोडक्ट में से मैं इसी से आईब्रो फिल करूँगी। अब आईब्रो के लिए मैं कलर डिफाइन करती हूँ, वैसे है इसमें कलर, ऐसा नहीं है कि नहीं है कलर। यू कैन सी दिस एंड दिस, ये दोनों को मिला के मैं आईब्रो फिल करूँगी, क्योंकि मेरी आईब्रो का कलर वही है, थोड़ा सा ब्राउन, तो मैं ये ट्रिक अपनाऊंगी। मैंने एक एंगल ब्रश लिया है, यू कैन सी, आईब्रो उसी एंगल में करो जिस एंगल में आपका आईब्रो का एंगल है, गोल या जो भी शेप है आपके आईब्रो का। तो
आईब्रो हमारी फिल हो गई है, हम इसको कॉम कर लेंगे इस पूली की हेल्प से। तो आई मेकअप के लिए ग्रीन अगर मैंने साड़ी पहनी है तो आप बोलो कि ग्रीन आई लुक होना चाहिए, तो ग्रीन का मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इससे पहले, तो आप इजीली तरीके से चेकआउट कर सकते हैं ग्रीन आई शैडो का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिंकी मेरी साड़ी में है तो मैं पिंकी और गोल्डन टच में रखूंगी, ठीक है। तो अभी हम पहले सबसे पहले ट्रांजेक्शन शेड लेंगे, तो दीज आपको दिख रहा है ये दो कलर पीच और ये, तो ये मैं ट्रांजेक्शन कलर लूंगी क्रीज को डिफाइन करने के लिए, और एक फ्लफी ब्रश लूंगी यू कैन सी। मैं पहले नीचे रख देती हूँ क्योंकि मैं ऐसे ये बहुत हैवी है, पकड़े पकड़े में पागल हो जाऊंगी, तो मैं इस तरीके से पिक कर दूंगी। देख सकते हो बहुत बेबी पिंक कलर है, एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से यू कैन सी मैं कट क्रीज करूंगी, डिजाइन कट क्रीज करूंगी कलर वाली। तो हमारे आईज पे साड़ी हमारी मतलब कि रानी कलर है पिंक कलर, तो पिंक कलर से ही करूंगी यू कैन सी। अगर आपको क्रीजेस नहीं समझ आता तो आप इस तरीके से क्रीजेस बना सकते हो, क्योंकि मेरी हुडन हाई है तो क्रीजेस आप देख सकते हो नहीं होता मेरे से, तो मेरे को इसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है। यू कैन सी ब्लेंड हो गया है अच्छे से। देन अब हम ये डार्क कलर लेके थोड़ा सा और साइड में पिक करेंगे, ये मैंने डार्क कलर लिया है सिर्फ पिक कर रखना है मुझे सिर्फ। बहुत इजी स्टेप बता रही हूँ, अगर किसी को आई मेकअप नहीं आता तो बस रख दीजिए सिंपल सा, बस आपने रख दिया दैट्स इट। अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, उसी ब्लेंड उसी ब्रश की हेल्प से सिर्फ वही हल्का हल्का सा फैलाते जाओ, हल्का हल्का सा फैलाते जाओ, हल्का हल्का सा फैलाते जाओ। तो अब मैं लूंगी वही कंसीलर थोड़ा सा और एक लूंगी फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं क्रीज कंसीलर क्रीज अप्लाई करूंगी सिर्फ कलर पिक करने के लिए। अब आपको अगर बोलो कि नहीं हमें तो ग्रीन ही, तो आप इसके बाद ग्रीन कलर पिक कर सकते हो जैसे कि मैं अभी पिक करूंगी, बट मैं यहाँ पे गोल्डन करूंगी, ठीक है। तो मैं कंसीलर इसलिए पिक कर रही हूँ क्योंकि मैं गोल्डन कलर पिक करूंगी। तो ये मैंने कंसीलर पिक किया है, अभी मैं आपको बहुत डीपली तरीके से बता रही हूँ मेकअप करना, बहुत ईजिली स्टेप है। यू कैन सी अब आप इसके बाद में अगर आपको ग्रीन टच लाना है तो ग्रीन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे ग्रीन यूज़ नहीं करूँगी। पहले तो मैं अपना लोअर लैशेस को भी कंप्लीट कर लेती हूँ, ये जो हल्का वाला कलर है ये लेंगे और थोड़ा सा बढ़ गया हम कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि आपको ग्रीन पिक करना है तो आप ग्रीन पिक कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे गोल्डन रखूँगी अपनी आई को, तो आप देख सकते हो ये पहला वाला ये सिमर है, दिख रहा आपको विजुअल हो रहा हो तो ये सिमरी कलर है, तो इसको मैं लूंगी यू कैन सी फिंगर की हेल्प से दस है। यू कैन सी थोड़ा सा पिगमेंट अप्लाई करेंगे, पिगमेंट भी इसी में है, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से ले रही हूँ, पिगमेंट भी इसी में ही है। तो ये रहा गोल्डन, ठीक है, थैंक गॉड मैं लगा नहीं पाई, वरना मुझे ग्रीन का ही याद रहता है। ये देखिए गोल्डन पिगमेंट लेके
अगर आपका पिगमेंट अच्छा ना हो तो आप सेटिंग स्प्रे की हेल्प से, या गम आता है इसका उसकी हेल्प से आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन सी लगाएंगे। अब आईलाइनर के लिए हमारे पास आईलाइनर तो है ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, जो मैंने आईब्रो पे फिल किया था वही वाला कलर पिक करूंगी, वही वाला कलर पिक करूंगी, और एक जो एंगल ब्रश था उसी की हेल्प से मैं अप्लाई करूंगी ग्रीन एंड ब्राउन कलर में। तो आप देख सकते हो कैसा आता है। लेट्स ट्राई, हमें ऐसा करना चाहिए नया नया। आप मिसलर वाटर लगा के अगर करोगे ना तो बिल्कुल बहुत सही से होगा, बट यहाँ पे मैं ओनली 6 प्रोडक्ट यूज़ कर सकती हूँ इसलिए मैं मिसलर वाटर नहीं लगा रही हूँ। वरना मिसलर वाटर से आप गीला करके लगाओगे फटाफट से होता है। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख लेना कि हम कलरफुल आईलाइनर कैसे लगा सकते हैं मिसलर वाटर की साइड से। दैट्स इट, लाइनर हमारा ये ग्रीन हो गया है। देन आई मेकअप आप देख सकती हो, यू कैन सी। अब यूज करेंगे हम मस्कारा, तो मस्कारा के लिए ले रही हूँ मैं क्लॉसल का मस्कारा। थोड़ा सा मुझे ना लाइन पे ब्लैक चाहिए, तो मैं आप देख सकते हो मेरा ब्रश एंगल ब्रश, मैं मस्कारा से ही काला काला लूंगी क्योंकि हमें 6 प्रोडक्ट ही यूज़ करना है, तो हम ये तो करेंगे ही। यू कैन सी थोड़ा सा मस्कारा में से मैं ये अपनी आईब्रो को सेट कर दूंगी। तो मस्कारा हमारा हो गया है, आई एम मेकअप आप देख सकते हो। अब जो भी फॉल्सेस है हम उसको हटा देंगे। बेस हम कर चुके थे ऑलरेडी, आपको पता है। अब सिर्फ हम करेंगे कॉन्टोर, तो कॉन्टोर के लिए ले रही हूँ मैं ये वाला सेट, आप देख सकते हो। सो यू कैन सी कॉन्टोर हमारा हो गया है। देन हम करेंगे ब्लश, तो ब्लश के लिए ले रही हूँ मैं ये वाला पिंकी सेट, कोरल कलर है ये। ब्लश के लिए लेंगे हम ये वाला सेट, आप देख सकते हो कितना प्यारा है। यू कैन सी मैं उंगली से हैंड ब्रश से यूज करती हूँ, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी। तो बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है, मीशो से लिया था मैंने। मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और सारे प्रोडक्ट का कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। बाती बारी लिप्स की, तो लिप्स के लिए मैं ले रही हूँ सुगर की मिनी, सुगर कॉस्मेटिक की मिनी लिक्विड। इसमें मेरा जो शेड है वो है पीछे पीछे 44 पीछे पीछे, तो ये अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये साड़ी के साथ बहुत सही जाएगा। हो गया है। देन हम एक बिंदी यूज करेंगे, बिंदी लगा लेंगे। यू कैन सी बिंदी हमने लगा ली है। देन अब थोड़ी सी हेयर स्टाइल पे वर्क, से पहले मैं थोड़ा सा बैंगल्स पहन ले। तो आप देख सकते हो बैंगल्स मैंने पहन ली है मैचिंग की, और
हम नेकलेस को भी टाइट कर लेते हैं। आप चाहो तो ओपन ईयर कर सकते हो, अच्छा लगेगा, बट मैं यहाँ पे बन बनाऊंगी। ठीक है, तो बन बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पार्टीशन लूंगी और फटाफट से हम बन कैसे बना सकते हैं मैं आपको इजीली ट्रिक बताती हूँ। आपने वैसे मेरी मोस्टली वीडियोस में देखा ही होगा, बस हमें राउंड राउंड करते हुए लेके जाना है और सिक्योरिटी से सिक्योर कर देना है। यू कैन सी इसी तरीके से साइड भी करेंगे। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं हेयर स्टाइल वगैरह सब बताती हूँ। ठीक है, तो मैरिड है तो सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको और फुला लूंगी, थोड़ा सा इसको भी। अब हमें पीछे लेके के इसको फोल्ड करके एक जूड़ा बना लेंगे और जूड़े को इस तरीके के पिन से सिक्योर कर देंगे। अब ये थोड़ा सा गैश मेकअप लुक है तो मैं इसको थोड़ा सा और स्टाइलिश दिखाने के लिए, मतलब कि अगर हम पार्टी में जाते हैं गैश मेकअप वैसे आप इतना ही छोड़ सकते हो, मैं गजरा यूज़ करूँगी। ये ऑप्शनल है अगर आप चाहो तो। तो ये है हमारा फाइनल फिनिश लुक, यू कैन सी। सो फ्रेंड यू कैन सी दिस इज माय फाइनल लुक। कुछ भी आपको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हो, इसको स्किप कर सकते हो, नेकलेस को स्किप कर सकते हो अगर आपको एक्स्ट्रा लग रहा है तो, बट मेरे लिए ये कंप्लीट लुक है एज अ गेस्ट मेकअप लुक। तो हम अब किसी की पार्टी में जाते हैं या फंक्शन में जाते हैं तो पूरा गेस्ट मेकअप लुक है ये। और नई लव यदि दुल्हन अगर जैसे नई नई शादी होती है वो इस तरीके से तैयार हो तो वो अगर इस तरीके से तैयार होगी तो बहुत सुंदर लगेगी। सर पे अगर पल्ला रखेगी तो मैं दिखा देती हूँ, मेरा पल्ला भी छोटा है तो मैं बता देती हूँ, देख सकते हो सर पे पल्ला रखेगी तो बहुत प्यारी लगेगी। तो नई नवेली दुल्हन के लिए भी ये मेकअप बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ में ये अचीव हुआ है, 6 प्रोडक्ट के साथ अचीव हुआ है। सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कहाँ से मैंने परचेज़ किया है वो भी मोस्टली पर्पल से है, कुछ नायका से है। ठीक है, तो मैं लिंक दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। और मैं इंस्टाग्राम पेज पे हूँ लुक के साथ, जो भी मैं लुक अचीव करती हूँ उसके साथ मैं रील्स क्रिएट करती हूँ डांसिंग एक्टिंग एंड कॉमेडी वाली। तो आप मेरे इंस्टा पेज को भी फॉलो कर सकते हो, पेज नहीं आईडी को फॉलो कर सकते हो, किरण नवल के नाम से है। तो आप मुझे वहाँ भी मेरी रील्स पे मेरे रील्स को एंजॉय कर सकते हो। तो देख सकते हो आप मेरे अंदर लुक लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। और क्या करना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और हिट द बेल बटन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।